के कारण मैं महागठबंधन के साथ खड़ा रहना चाहता हूं, जो मेरी आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी के कारण महागठबंधन के साथ खड़ा रहना चाहता हूं। मैं, मेरी ताकत 2 या 3 सीट की है, हो सकता है कल आइडियोलॉजी के चलते हमें एक महागठबंधन हमारी उस तवज्जो को ना दे, उसके बावजूद भी मैं हर चीज स्वीकार। नमस्कार, देख रहे बिहार इंसॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि आज विपक्षी एकजुटता की बेंगलुरु में बैठक हो रही है, और वहीं उस बैठक में नहीं बुलाने पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का छलका दर्द हो गए। पप्पू यादव काफ़ी ज़्यादा भावुक भावुक होते हुए पप्पू यादव कह रहे हैं कि 1 सालों से हम महागठबंधन में आने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि आखिर महागठबंधन के लोग मुझे महागठबंधन में शामिल नहीं करना चाहते हैं। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, पहले आप इस वीडियो में देखिए। अब दूसरे मीटिंग में भी आपने हमको नहीं बुलाया, चलिए कोई बात नहीं है, आपने नहीं बुलाया, आज तक मैंने बात करने का प्रयास किया, कोई बात नहीं, और भी प्रयास हम करेंगे। हम चाहेंगे कि अगस्त तक हम लगातार इस प्रयास को रखें, हमें कोई कमजोर ना आके, और मैं कोई अलग नहीं हूं, कोई कमजोर भी नहीं हूं, बस मेरी कमजोरी जनता है, इसलिए मैं महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहता हूं। आप महागठबंधन, एक मिनट, मेरी कमजोरी जनता है, क्योंकि मैं जनता से हूं और हर घर से जुड़ा हुआ हूं, और सीमांचल, कोसी, मधेपुरा, पूर्णिया, खगड़िया, सहरसा, सीतामढ़ी हो या मधुबनी हो या दरभंगा हो, इस इलाके के लोग चाहते हैं कि पप्पू यादव इस देश को बचाए, पप्पू यादव इस देश की संविधान और लोकतंत्र को बचाए, पप्पू यादव की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। और एक तरफ महागठबंधन में कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हमेशा कांग्रेस के साथ रहा हूं, लेकिन मैं यह जरूर आज कहूंगा कि कांग्रेस को मेरे लिए तय कर लेनी चाहिए क्या मैं महागठबंधन का हिस्सा रहूंगा या नहीं रहूंगा, और इसके लिए मैं अगस्त तक बहुत क्लियर हूं कि मैं अगस्त तक अपने कामों को मैं करते जा रहा हूं और इंतजार करूंगा, अगस्त के बाद मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा कि जनता के बीच मैं जाऊंगा और कहूंगा मैंने प्रयास किया और उन्होंने लगातार हमारे प्रयास को तवज्जो नहीं दी, तब मैं जनता के बीच जाऊंगा, और जनता जो तय कर देगी या पार्टी अकेले, मैं फिर कह रहा हूं कि तीसरा गठबंधन रिलायबल नहीं हो पाता है, बहुत सारे गठबंधन है साथ लड़ा जा सकता है लेकिन रिलायबल नहीं होता, और कई बार हमने प्रयोग किया है, और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ऐसी चीज नहीं की जा सकती, इसीलिए बड़ी बैठक हो रही है। चलिए, एनडीए का तो मैंने पहले ही कहा कि एक व्यक्ति है जो अपनी बदौलत अब राजनीति नहीं करना चाहती है, वो शरद, वो पवार हो, अजीत पवार हो, कहीं पर पटेल हो, कहीं मणिपुर हो, कहीं कोई हो, कहीं थूक छटा हुआ व्यक्ति जिसको पार्टी को तोड़ दिया, भगा दिया, कुशवाहा जी हों, चाहे चिराग जी हों, चाहे जिनका हो, चलिए उन्होंने एक प्रयास तो शुरू किया, 14-24 में चुनाव जीतने के लिए नेक टू नेक एनडीए ने जिस तरीके से लगातार, चाहे वो यूपी में निषाद का मामला हो, चाहे पटेल का मामला हो, चाहे यहाँ मांझी जी का मामला हो, चाहे किसी अन्य का मामला हो, हर मामले में एक कदम प्रयास करने का सीट टू सीट एनडीए ने कोशिश की। मैं हमेशा, चाहे दंगा का मामला हो और जब भी महागठबंधन पर हमला हुआ, तो पप्पू यादव एक ऐसा छोटा आदमी है, मैंने हमेशा एनडीए और पीएम और बीजेपी पर सबसे ज़्यादा हमला करने की कोशिश हमने की उसकी गलतियों के खिलाफ। आप मेरा ट्विटर्स देख लें, मैं पुलवामा हुआ 15 को ट्वीट किया करवाया गया, गोधरा हुआ मैंने तब ट्वीट किया करवाया गया, केरला स्टोरी आई तब मैंने कहा कि ये स्टोरी ही गलत है, कश्मीर फाइल आए तब मैंने ट्वीट किया था और बताया कि कश्मीर फाइल में किस चीज़ को जोड़ा गया है, फिर आदि पुरुष आया मैंने तभी कहा कि ये गाली गलौज उस रामायण के युग में नहीं था जो आज ये हनुमान से गाली दिलवा रहे हैं, जो सब जब वो शब्दावली ही नहीं थी तो आज ऐसी गाली कैसे, तो हमेशा मैंने चैलेंज किया है इन गलत तरीके की चीज़ों को, हमेशा मैं महागठबंधन और बिहार के विपक्ष के रूप में मैं हमेशा खड़ा रहा, जब भी कोई बारी आती है तो विपक्ष की भूमिका में, 17 साल के बाद बीजेपी पहली बार राजनीति करने के लिए पूरी ताकत लगा के 2000 आदमी नहीं जुटा पाए, और SIS को, गार्ड को बुलाना पड़ गया, और उसके बाद मिर्ची गुर्दी सबका उसको सहारा लेना पड़ गया,
और उसके बाद उसने ने डोमिसाइल मुद्दे पर कोई बात नहीं की, तेजस्वी। अब एक व्यक्ति अब मैं लगातार इस मामले में प्रयास किया, पहले भी इन्होंने बैठक की और भी लोगों को बुलाया, मैंने फिर दोबारा आज बैठक हो रही। मुझे लगा कि आखिर जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्रखर हो एनडीए के करतूत के खिलाफ, जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्रखर हो बीजेपी और बीजेपी के नेताओं के कुकर्म और कुकृत के खिलाफ, उसके तरीके के खिलाफ, जो कंप्लीट डेमोक्रेसी और आर्थिक आज़ादी के सवाल पर, इंडियन संविधान के सवाल पर और इतिहास के सवाल पर लगातार सबसे ज़्यादा बात रखता हो बिना जाति धर्म के मजहब के, आखिर क्या कारण है कि जब मैंने कई बार लालू जी से भी हम मिले और तब भी ये बात हुई कि तेजस्वी जी बैठेंगे करेंगे, आखिर कौन क्या कारण है? मैंने कई बार कहा कि ये चुनाव 2025 का नहीं है। यदि किन्हीं के मन में यह सवाल है कि 2025 के चुनाव को देखते हुए मैं कोई राजनीति करूँ, तो आज जब कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया है 2000 अपने, चाहे ममता दीदी इतना ज़्यादा परेशान होने के बावजूद कांग्रेसी लोकल इकाई क्या नहीं कहा, तब ममता दीदी साथ में है, लोकल इकाई दिल्ली की क्या नहीं कहा, तब उन्होंने बड़ा दिल दिखाया अरविंद केजरीवाल जी को, लगातार कांग्रेस से राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से बरप्पन और दिल दिखाया, क्या हम बिहार में उस बरप्पन के साथ खड़े नहीं हो सकते, क्या दिल नहीं दिखा सकते? जबकि मैंने कई बार नीतीश जी को अपना प्रयास किया कि मैं, हमारे नेता भी प्रयास किए, हमारे लोग भी प्रयास किए कि हम लोग चाहते हैं कि आपको जो अच्छा लगे, जिस रूप में अच्छा लगे, हम लोग चाहते हैं महागठबंधन का हिस्सा हों, आप राजा हैं, तय आपको करना है, आपको जरूरत है किसकी की नहीं है। वैसे तो मैं लगातार बिहार के हर जगह, हर क्षेत्र में, हर घर में हूँ, मैं लगातार, यदि इंडिविजुअल आप लीडरशिप की बात और किसी की करिएगा तो इंडिविजुअल व्यक्ति, आज पप्पू यादव पर कोई जाति का ठप्पा नहीं है, पप्पू यादव पर हिंदू मुसलमान का ठप्पा नहीं है, बेईमानों का ठप्पा नहीं है, पप्पू यादव पर किसी भी तरह के आवाज़ देने से पीछे हटने का ठप्पा नहीं है। तो मैं लगातार कोशी सीमांचल से लेकर मिथिलांचल के 5 सीटों पर, आज नहीं, 1 सालों से लगातार मेरा प्रयास जारी है कि मैं इसको कैसे मजबूत करूं और कोशी सीमांचल मिथिलांचल में सभी जाति को कैसे लाऊं, और मेरा ये प्रयास रहा है कि इस हर जाति को एक साथ लाने का प्रयास मैं लगातार किया। मेरा जो कैरेक्टर रहा है, मेरा जो वे रहा है, तरीका रहा है, उसमें मैंने हमेशा कोशिश की कि सबको साथ लेके चलें और एक कैरेक्टर के साथ जिए, और फिर मैंने कभी दलगत चीज़ों को भी नहीं देखा, सबके लिए मैं खड़ा रहा और मददगार रहा। ऐसे समय में कोशी सीमांचल हमेशा, वहाँ की जनता चाहती है कि पप्पू यादव हिस्सा महागठबंधन का हो, और इसीलिए मैंने कभी इस मामले से अलग नहीं हुआ, मैं हमेशा, हमारी कोशिश रही कि मैं महागठबंधन का हिस्सा बनूं। आखिर क्या दिक्कत है राजद या जदयू के किसी व्यक्ति को, ये मैं नहीं बता सकता हूँ। मैंने हमेशा कहा है, दोबारा मीटिंग जिसमें 26 अन्य पार्टियों को भी जोड़ा गया, अच्छी बातें हैं, और मैं आज भी कह रहा हूँ मैं लगातार 5 सीटों पर अपना प्रयासरत हूँ, मैं 5 सीटों पर तैयारी में लगातार कर रहा हूँ, लेकिन महागठबंधन के हिस्सा बनने में उनके विचारों के साथ मैं खड़ा रहा। मेरी ताकत रही या नहीं रही, 1% की मेरी ताकत है या 2% की है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि तीसरी जो फ्रंट है, वो जब कभी चुनाव आता है, तब जब तीसरा फ्रंट बनने की बात आती है, तो वह लोगों के बीच विश्वसनीयता खड़ा नहीं कर पाती है। हम तीसरे फ्रंट बनाते हैं, फिर बिखर जाते हैं, और फिर 5 साल साथ नहीं रहते हैं, फिर एक साथ मुद्दों पर काम नहीं करते हैं। तो ये तीसरा फ्रंट, मैं किसी तीसरे फ्रंट की ताकत को कमज़ोर नहीं कर सकता हूँ। बसपा की अपनी ताकत है, AIMM की छोटी ताकत है, या AIMM का बिल्कुल है, बीजेपी समझती है इसी नफरत से उसकी पार्टी जिंदा रहेगी, AIMM भी समझती है मेरी इसी आइडियोलॉजी से मेरी पार्टी जिंदा रहेगी। तो यदि बीजेपी गलत नहीं है तो AIMM को भी बहुत गलत नहीं कहा जा सकता है, बहुत क्लियर है इस मामले में, क्योंकि बीजेपी भी अपने नफरत का आधार चुनती है, AIMM भी अपने तरीके, अपनी आइडियोलॉजी का आधार चुनती है। कल के दिन जिस तरीके से आप लगातार चिराग जी साहबुद्दीन जी से मिले, के पत्नी से मिली, कब तक आप साहबुद्दीन जी के पत्नी को तिलांजलि देंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ।
कल कई तरह की चीजें आप लगातार भटक, बीजेपी कहीं ना कहीं अब मुख्तार अंसारी के बेटे को बीजेपी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो अभी आपने देखा जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को विपक्षी एकजुटता की बैठक में नहीं बुलाए जाने पर पप्पू यादव का छलका दर्द काफ़ी हो गए भावुक और कह रहे हैं कि एक सालों से हम प्रयास कर रहे हैं कि महागठबंधन में मुझे भी महागठबंधन का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन आखिर क्या वजह है कि महागठबंधन के लोग हमको यानी मुझे अपने पार्टी का महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनाना चाहते। और वहीं पप्पू यादव ने महागठबंधन की सरकार को अगस्त तक का अल्टीमेटम भी दिया है और कहते नज़र आ रहे हैं कि अगर अगस्त तक इस पर महागठबंधन की सरकार कुछ फैसला नहीं लेती है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होगा। और भी क्या कुछ कहना था पप्पू यादव का आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें, तब तक धन्यवाद।